बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक, आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कनाडा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,000 नए कोविड-19 के केसेस सामने आ गए। ब्रिटिश कोलंबिया में तकरीबन 3,800 केसेस रिपोर्ट हुए। ये खबर उस वक्त सामने आई है जब मुतअद्दिद सूबों ने पीसीआर टेस्टिंग पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं, जिससे केसेस की तादाद आगे बढ़ सकती है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से नए साल का आगाज हो गया। न्यूजीलैंड के मुकामी वक्त के मुताबिक 12 बजते ही नए साल का आगाज हो गया। नए साल के मौके पर ऑकलैंड में रंगारंग आतिशबाजी की गई और लाइट शो से नए साल का इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज हुआ और साल नौ के आगाज पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस दौरान आसमान रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा और इस मौके पर हजारों अफराद ने यह मंजर देखा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों ने समंदर की तह में केक काट कर नए साल का इस्तकबाल किया। इस हवाले से देखते हैं अमीर मोहम्मद खान की खसूसी रिपोर्ट। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों का समुंदर की तह में जाकर नए साल का जश्न केक काटा और 2022 को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तानी नौजवान यहिया इशफाक, उमर जान और हाजी उस्मान ने 120 फीट समुंदर की गहराई में उतरकर नए साल का आगाज़ किया और खुशामदीद कहा। नए साल की खुशी में केक काटा। तीनों पाकिस्तानी नौजवानों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तस्वीर के जरिए पाक सऊदी ताल्लुकात को भी उजागर किया। यकिया इशफाक गुज़श्ता कई सालों से नए साल की आमद के अलावा दिगर कौमी और मजहबी त्यौहारों के हवाले से समुंदर की तह में जाकर अनोखा अंदाज अपनाते हैं और काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। दुबई में नए साल का इस्तकबाल, बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। लॉस एंजलस में फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए, 2 की हालत तश्वीशनाक। लॉस एंजलस के एक स्टोर में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मशकूक अफराद ने लॉस एंजलस में स्टोर के अंदर और बाहर फायरिंग की। लॉस एंजलस फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम का कहना है कि स्टोर में फायरिंग से जख्मी 2 अफराद की हालत तश्वीशनाक है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाकये की तहकीकात जारी है लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। अमरीका के जंगलात में खौफनाक आतशजदगी, 600 घर जलकर राख हो गए। आग 1600 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैल गई। अमरीकी रियासत कोलोराडो के जंगलात में लगने वाली आग शिद्दत अख्तियार कर गई जिसने सैकड़ों घरों को जलाकर राख कर दिया। बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलोराडो के जंगलात में मंगल की रात अचानक लगने वाली आग देखते ही देखते बड़े रकबे पर फैली और इलाके में धुएं के बादल फैल गए। इंतजामिया ने फौरी तौर पर हंगामी इकदाम करते हुए मुकामी आबादी को घरों से निकालकर महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल किया। इस दौरान रेस्क्यू इदारों के रजाकार, महकमा फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस की भारी नफरी वकुआ पर पहुंची और इमदादी काम शुरू किया। मुकामी हुकाम के मुताबिक आतशजदगी के बायस अब तक 600 घर जलकर राख हो चुके हैं। तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है और ये 1600 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैल चुकी है। अब तक लिए इतना ही। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहिए देसी टी वी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा क्लिक करें हमारे लिंक ट्री पर और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।